श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मामले के अनुसार 8 अक्टूबर 2016 को 68 GB निवासी कमला ने उप स्वास्थ्य केंद्र 72 GB में बेटी को जन्म दिया था, लेकिन ANM जसविंदर ने रिकॉर्ड में बेटी की जगह बेटा दर्ज कर दिया, जिससे कमला को राष्ट्रीय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। वहीं परिवार के मुखिया केसरा राम ने ANM पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया है। और इस बारे में जब आशा सहयोगिनी सुमित्रा देवी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रसव के दौरान वो भी मौके पर मौजूद थी। ANM ने जानबूझकर रिकॉर्ड में बेटा दर्ज किया है। वहीं ANM जसविंदर कौर ने बताया कि कागजों में बेटी ही दर्ज है। योजना का लाभ दिलवाने के लिए उन्होंने सभी दस्तावेज PHC में जमा करवाए थे, जबकि BCMO सुरेंद्र स्वामी ने ANM का बचाव करते हुए कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवार को राशि योजना का लाभ दिलवाया जाएगा। सर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, मेरे रिकॉर्ड में बेटी ही है तो बेटी होगी, मेरे रिकॉर्ड में बेटा है तो सर जी बेटा ही होगा। ऐसे कहने सर चलो कोई बात नहीं, पर भगवान तो देखता है ना, कभी किसी से सर कन्या दे के किसी की बड़ा कर हम कर देते हैं, कन्या दे के कोई ऐसा गरीब भी हो तो सर मैं कन्या दे के किसी को मोगी में सर आप पूछो जाके जब दूसरे गांव में, पर कन्या दे के ऐसे कोई आता है? और राशि को भी सर मैं कन्या दे के काम करवाती हूँ जो करती है। लड़की हुई थी, अच्छा लड़की के वजह से इसने कागज तो मैं लड़का कर दिया, जब लिए ये बोली भी अभी लड़का हो गया अभी 5,000 रुपया दे दो एक बार आप तो मैं सही कागज कर देती हूँ है, तो फिर 5,000 इसने दे दिया, फिर बोलती है 5,000 और देना पड़ेगा जब कागज सही होगा, नहीं तो नहीं है, जयपुर भेजिए मैं वो है वो डॉक्टर नहीं मानता फलाना नहीं मानता, ऐसे करके हमारे को 10,000 रुपया भी दे दिया इन्होंने, हमारे को किस्त भी नहीं दिवाई। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता मलकीत सिंह फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी मलकीत, ये बताएं कि वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे देश में ये फैला हुआ है एक नारा जो सरकार बुलंद आवाज में बोलती है, और फिर प्रशासन की ऐसी चूक। बिल्कुल लवीना, आपने सही सही कहा, मैं आपको बता दूं अनूपगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र 72 GB का ये मामला है, जहां पर 68 GB निवासी कमला ने 8/10/2016 को एक बेटी को जन्म दिया, परंतु ANM जसविंदर कौर द्वारा बेटी की जगह बेटा रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया, जिस वजह से तकरीबन 2.5 साल बाद भी उक्त परिवार को राष्ट्रीय योजना का लाभ नहीं मिला है। परिवार के मुखिया केसरा राम ने बताया कि ANM जसविंदर कौर द्वारा राष्ट्रीय योजना का लाभ दिलवाने हेतु उनसे 10,000 रुपए की मांग की गई, पैसे नहीं देने की वजह से रंजीश वास उसने रिकॉर्ड में जो है बेटी की जगह बेटा लिख दिया, जिस वजह से उन्हें राष्ट्रीय योजना का लाभ नहीं मिला। मामला यहीं तक भी नहीं रुका, जब उनको राष्ट्रीय योजना का लाभ नहीं मिला मजबूरन उस परिवार ने 5,000 रुपए दो बार ANM को रिश्वत देना भी बताया है, जो उक्त रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रीय योजना का लाभ लेने के लिए परिवार द्वारा बार बार ANM के पास जब चक्कर लगाए गए, ANM ने रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के नाम पर जो है दो बार 5,000 रुपए लेना बताया है, बावजूद उस परिवार को आज तक राष्ट्रीय योजना का लाभ नहीं मिला है। इस बारे में ANM जसविंदर कौर से बात की गई तो उसने सरकारी रिकॉर्ड को दरकिनार करते हुए बताया कि नहीं बेटा नहीं बेटी ही दर्ज की गई है, और जो उसकी ओर से सभी दस्तावेज PHC रामसिंहपुर में जमा करवा दिए गए हैं, जो राष्ट्रीय योजना का लाभ दिलाने का काम है वो PHC की ओर से किया जाता है। जी लवीना जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर से बता दें, अनूपगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। ANM पर रिश्वत लेने का साथ ही आरोप भी लगाया गया है। उप स्वास्थ्य केंद्र 72 GB का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्वास्थ्य केंद्र की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ANM ने बेटी को रिकॉर्ड में बेटा दर्ज कर दिया था, और साथ ही रिश्वत का भी आरोप लगाया गया है ANM पर। अनूपगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उप स्वास्थ्य केंद्र 72 GB का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य अधिकारी सुरेंद्र स्वामी फोनलाइन पर मौजूद है हमारे साथ। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 TV में। आप ये बताएं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार बुलंद आवाज में कहती है, और फिर प्रशासन की इतनी बड़ी चूक सामने आई है। जी
ये हमन ऐसा मानने में भूल है, इसलिए जो गंगा देवी वाइफ ऑफ लेख रहा हूँ 8/2 GB जो कि बेहतर जीबी की क्षेत्राधिकार क्षेत्राधीन उपकेंद्र है जी, बेहतर जीबी उपकेंद्र की क्षेत्राधीन जो गांव है वहां पे वहां की ये बहू है कमला देवी, इसकी डिलीवरी 8/10/2016 को हुई थी जी। तो इसका भमसा कार्ड भी अपने 15 मई 2018 को बना है, तो इस वजह से इसका पेमेंट में डिले हो गया। भमसा कार्ड के बिना हम पेमेंट दे नहीं सकते। तो रही बात लड़की को लड़का दिखाने की, तो उसके लिए हमने जो ऑर्डर सॉफ्टवेयर होता है हमारा उसमें ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी हुई है, तो ये इसका मतलब उसको पेमेंट मिल जाएगा नियर फ्यूचर में। रिश्वत की भी इसमें बात की गई है, तो उसके लिए क्या कुछ कार्रवाई की जा चुकी है या फिर की जाएगी? अभी जांच जारी है जी, जांच जारी है, इस रिश्वत का मामला सामने आएगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। एक बार आपको फिर से अनूपगढ़ से खबर बता देते हैं, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। उप स्वास्थ्य केंद्र 72 GB का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रिकॉर्ड में बेटी की जगह बेटा दर्ज किया गया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।